तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। गाइस लेके आ गए 26 जनवरी के सुबह सर पे फोटो एडिटिंग हाई क्वालिटी वाला। गाइस देख सकते हैं इस ऐटा फोटो एडिटिंग आपको भी करना है तो वीडियो को स्किप ना कर गाइस, वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस सबसे पहले हमने पिक्चर डाटा ऐप को गाइस ओपन करेंगे और थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे। गाइस ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। गाइस उसके बाद फोटो को ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। गाइस उसके बाद गाइस रिमूव बी की क्लिक करके और गाइस रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके और गाइस थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है, वेट करते हैं। देखिए गाइस हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद गाइस देख सकते हैं इसको यहाँ और छोटा गाइस यहाँ इसको परफेक्ट तरीके से इसको सेट कर देंगे। उसके बाद गाइस ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे फिर से और थोड़ा सा नीचे करेंगे और एक और पीएनजी को इसमें ऐड करेंगे। गाइस ऐड पर क्लिक कर देंगे और इसको थोड़ा सा गाइस इसको जूम करते हैं। उसके बाद गाइस फिर छोड़ देंगे, फिर से गाइस यहाँ क्लिक करके और ऐड फोटो पर गाइस क्लिक करेंगे और गाइस एक और पीएनजी को, सॉरी दो पीएनजी को इसमें ऐड करते हैं। ऐड पर क्लिक कर देंगे और गाइस इसको यहाँ सेट कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं और गाइस इसको क्लिक करके और इसको गाइस जूम करते हैं और जूम कर देते हैं। गाइस हो गया। उसके बाद गाइस हम यस कर देते हैं। उसके बाद गाइस फिर से हम ऐड फोटो पर, सॉरी ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और गाइस थोड़ा सा नीचे करेंगे और एक और पीएनजी को इसमें ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे और इसको गाइस इसको हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं और गाइस इसको हम जूम करेंगे और जूम करते हैं। गाइस थोड़ा सा जूम कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ इरेज पर क्लिक करके और इन भरक्ट पर क्लिक करके और गाइस इसको हम कलर करेंगे और गाइस वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं। तो गाइस देखिए हमारा शॉर्ट कलर हो चुका है। उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा देख सकते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे 30 के आसपास कर देंगे। उसके बाद गाइस यस पे क्लिक कर देंगे और गाइस बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ थोड़ा सा इसको साइड करेंगे और ऐड फोटो पर गाइस क्लिक, सॉरी ड्रॉ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थ्री ड्रॉ पर गाइस क्लिक करके और सेव इमेज क्लिक फोटो को हम सेव कर लेते हैं। तो गाइस इसके बाद हमने स्नैपशॉट ऐप को ओपन करेंगे और टूल पर क्लिक करेंगे गाइस और सेलेक्टिविटी पर क्लिक करके और फेस पर क्लिक करके और गाइस फेस को थोड़ा सा वाइड करेंगे। उसके बाद गाइस प्लस पर क्लिक करेंगे और हैंड पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा वाइड करेंगे। उसके बाद गाइस फिर प्लस पर क्लिक हैंड पर क्लिक करेंगे और इसको भी वाइड करेंगे। गाइस जहाँ जहाँ ब्लैक ढाबा होगा वहाँ होगा क्लिक करके थोड़ा सा वाइड कर देंगे। उसके बाद ऐसे यस क्लिक कर देंगे, ऐसे बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस फोटो को हम डन कर देते हैं। तो गाइस उसके बाद हम अपने लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे और गाइस सबसे पहले तो हम लाइट पर मिलाएंगे। तो गाइस लाइट पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे करेंगे और ब्लैक को गाइस -90 कर देंगे और वाइट को भी लगभग -60 कर देते हैं और गाइस शेडो को बढ़ाएंगे, शेडो को 28 कर देते हैं। गाइस उसके बाद हाईलाइट पर क्लिक करें, हाईलाइट को भी कम करें -30 कर देते और गाइस कंट्रास्ट को हम बढ़ाएंगे, लगभग इसको लगभग हम 8 कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मिक्स पर क्लिक करेंगे गाइस और रेड वाला सेचुरेशन को गाइस इसको हम बढ़ाएंगे, इसको लगभग हम 61 कर देते हैं। उसके बाद गाइस ऑरेंज पर क्लिक करेंगे और इसको लुमिनेशन को ऐसे इसको हम बढ़ाएंगे लगभग देख सकते हैं गाइस। उसके बाद गाइस ग्रीन पर क्लिक करके ऐसे सेचुरेशन को गाइस हम बढ़ाएंगे, इसको लगभग हम कर देते हैं 61 के आसपास कर देते हैं गाइस। उसके बाद गाइस ब्लू पर क्लिक करेंगे और ब्लू का सेचुरेशन को गाइस इसको भी हम बढ़ाएंगे, इसको लगभग 50 कर देते हैं गाइस। उसके बाद फोटो को हम डन कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ डिटेल पर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे करें और नॉइज को भी 100 कर देते हैं गाइस। उसके बाद डिटेल को लगभग कर देते हैं 67 कर देते हैं और कंट्रास्ट को लगभग हम कर देते हैं गाइस 50 के आसपास कर देते हैं, 50 कर देते हैं। उसके बाद कलर नॉइज को भी कर देते हैं लगभग 23 कर देते हैं और फिर डिटेल को हम लगभग डिटेल को कर देते हैं 70 और स्मूथिंग कर देते हैं 61। उसके बाद फिर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे करेंगे, इसको थोड़ा सा गाइस कम करेंगे -12 कर देंगे। उसके बाद फोटो को हम, सॉरी फोटो पर साइड में करेंगे और फिर
मैक स्क्रीन में क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेयर्स में क्लिक करके और नीचे से थोड़ा सा गाइस इसको ऊपर करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके और इसको फर्स्ट वाले को लगभग थोड़ा सा 8 कर देते हैं और सेकंड वाले को 6 कर देते हैं। उसके बाद इस फोटो को हम यस कर देते हैं। देख गाइस फोटो को बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना हार्ड तरीके से हाई क्वालिटी वाला गाइस फोटो एडिट हो चुका है देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।